केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष दल कांग्रेस के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर तीखी तकरार जारी है। बुधवार को भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ एक ही सवाल पूछ रही है, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आप तीनों ही कांग्रेस से हैं, आप तीनों बताएं कि आप तीनों ने कब अपना पहला डोज लिया और कब अपना सेकंड डोज लिया। पात्रा ने आगे पूछा, क्या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या नहीं है, गांधी परिवार को वैक्सीन पर विश्वास करती है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए गुरुवार को कांग्रेस ने कहा कि सरकार को बेमतलब के मुद्दे गढ़ने के बजाय सभी भारतीयों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए राजधर्म का पालन करना चाहिए। कांग्रेस ने ये जानकारी दी है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने समाचार एजेंसी को बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा वैक्सीन की पहली डोज ले चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे राहुल गांधी कोविड से उबरने के बाद डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक वैक्सीन लेंगे। आगे भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि कांग्रेस अध्यक्ष कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी हैं।